बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। नगर पालिका चेयरमैन राज शरण चौधरी साहब, जाट महासभा के अध्यक्ष चौधरी राजा राम मीर साहब, पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक नरेंद्र, विधायक नरेंद्र पुडानिया जी, मेरे जीवन में एक जीन में जो देश की सबसे मिलिटेंट खाप है, जिसको न चौटाला साहब डरा पाए न बंसीलाल जी डरा पाए, उन्होंने मेरा सम्मान किया तो मैंने वो सम्मान किसानों को लौटा दिया जो वहां बैठे थे। और वहां मैंने ये घोषणा की कि मैं अपना गवर्नरशिप का पीरियड खत्म होने के बाद पूरे देश में घूम के किसानों को इकट्ठा करूंगा, ताकि आगे जो सरकार बने उनमें हम मांगने वाले ना बने, देने वाले बने। जब हम मांगते हैं, इसमें किसानों को संगठित करके और उनको ये सिखाया जाए कि मांगने के बजाय राज बनाओ, ताकि तुमसे लोग मांगे, तुम अपनी सरकार बनाओ। तो मुझे, मैंने एक कॉल तो वहां से दे दी, आते गए और कारवां बनता गया। ये जो किसानों का मुद्दा है, ये ऐसा है कि इस पे पूरे देश को खून की नदियां बह जाएं। फारूक अब्दुल्ला कहते थे, हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये तीनों चारों एक्स चीफ मिनिस्टर शाम को मैंने गिरफ्तार कराए, चिड़िया नहीं बोली। और मैं तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने इनको दिल्ली बुला के चाय पिलवाई, तो मैंने उनको कहा कि क्यों इनको चढ़ा रहे हो, आप चाय पिलाओ, वे लोग समझेंगे, ये फिर पावर में आ रहे हैं, ये लोगों को डराएंगे। और जब शेख अब्दुल्ला 10 साल जेल में रह सकता है, तो ये 2 साल तो रह सकते। तो मैं 17 अवगुण गिनाए, जिनमें 3 ये हैं कि ये अपने भाई के साथ न्याय नहीं करेंगे, भाई के साथ नहीं बैठेंगे, दूसरे की जूती ले चलो और इकट्ठा होकर लड़ो, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो धरनों में कामयाबी हुई है दिल्ली में, इसका बड़ा कारण ये था कि मिलकर इकट्ठा होकर, पहले सरदार और जाट आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं, जब दोनों एक हो गए तो एक और एक आप चले जाओगे तब ये जाएंगे। और ये दोनों कौम ऐसी हैं कि इनसे पंगा नहीं लिया जाता। सिखों के तो गुरु ने अपने 4 लड़के मरवा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। और ये जाट तो 3-3 बार दिल्ली पे चढ़ के गए और कोई लड़ाई नहीं हारी। तो मैं कहा इनसे कोई समझौता कर लो, लेकिन उस वक्त तो दूसरी मानसिकता में थे, नहीं माने। मैं कहता रहा, अपनी बात बोलता भी रहा, और मुझे कई दोस्तों ने कहा कि यार ऐसा मत करो, अगर चुप रहोगे तो राष्ट्रपति हो जाओगे, उपराष्ट्रपति। मैंने कहा मैं इस पर ठोकर मारता हूँ, अगर मैं अभी और भी कुछ होना बाकी है तो मैं ये लंबी हवाई वर्दी लंबा कर दिया। दूसरे में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, दूध में भी अब तो मैं जितने कॉन्वोकेशन में गया हूँ पिछले 2 साल में, उनमें अगर मेडल 25 थे, 30 थे, तो उसमें 20 लड़कियों के ऊपर वाले लड़कों। मैंने लड़कों को कहा, मतलब भाई साहब जागरण बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा सब चौधरी साहिबान से कि अपनी बच्चियों को बढ़िया से बढ़िया जगह में पढ़ाओ, क्योंकि एजुकेशन से बड़ा कोई हथियार हमारे पास नहीं है। हम पहला हवेलियां हैं सड़ी हुई, कि उन्हें ठीक करा के होटल बना देंगे, ना महल है, ना कोई प्रॉपर्टी है, थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं। ये पढ़ गई तो कोई कलेक्टर बन जाएगी, कोई कमिश्नर बन जाएगी और आपका नाम ऊंचा करेगी। एक चीज मुझे याद आती है, ये जो लीबिया का तानाशाह था, जिसका नाम गद्दाफी था,
जब विद्रोहियों ने उसको मार दिया तो उसके दफ्तर पे वो रेड करने पहुंचे। उसके दफ्तर में उनको एक डायरी मिली, वो पढ़ाओ। एक ये जो अब आपके यहाँ पता नहीं, मुझे हमारे यहाँ तो 40-40 गांव की चिट्ठी फाड़ते हैं काज के लिए। एक आया मेरा हाजी खा रोता हुआ कि 24 साल में तो बर्बाद हो गया, क्या हुआ? कहने वो बिरादरी वालों ने चिट्ठी फड़वा दी 40 गांव की और मैं कर्जदार हो गया। मैं कह ये चिट्ठी फड़वा के और 40 गांव के लोगों को खाना खिला के तेरा बुढ़ा सूरजमल हो जाएगा, लेकिन है क्या करो, इन चीजों को छोड़ो, दहेज छोड़ो, बच्चियों की पढ़ाई के अलावा कोई काम मत करो। मैं दिल्ली में रहता था गवर्नर होने से पहले, मेरे पास ऑफिस का नाम है सुधीर नाम है, मैंने कहा ये मेरी ताकत और ये मेरे किसी भी काम आएगी मेरी गली की, और वो काम आई। जब मैं कश्मीर में गया, एक हफ्ते में 2 फाइल मेरे सामने आई जिसमें एक अंबानी थे और दूसरी में एक और थे जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, और दोनों में बेईमानी थी। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। जब मैं कैंसिल कर रहा था तो मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि सर इसमें 150 करोड़ रुपया मिला, ये पास नहीं होगा। वो करके मुझे पता था क्योंकि अंबानी भी है उसमें, तो मैं तीसरे दिन प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा और मैंने उन्हें बताया कि ये मामला था, मैंने कैंसिल कर दिया है, आपका दोस्त भी इसमें है, अगर आपको कोई हमदर्दी हो और उसके लिए कुछ करना है तो मुझे हटा के किसी और को बैठा दीजिए, मैं उनकी तारीफ करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं सरकार, करप्शन पे कोई समझौता नहीं, और मैं दोनों केस कैंसिल करके चलाया। और अब एक और बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर इन लोगों ने किया, चौधरी गंगाराम हो, आपके नाथुराम जी मिर्धा हो, कुंभाराम जी हो, दौलत राम जी सारण हो, एक दिलचस्प बात बताता हूं मैं आपको। दिल्ली में एक मिनिस्टर की ओथ, आज अगर आप चौधरी हैं, आप पे जमीने हैं, तो इन पुरुषों को मत भूलना, इनको याद रखना, इनके बच्चों को भी मत भूलना। मैं बहुत लंबा हो गया और इतना लंबा भाषण नहीं किया जाता, धूप में जब लोग भूख में भी खाने का भी इंतजाम है यहाँ बैठे हों, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। छोटू राम जी गवर्नर से मिलने आए, अंग्रेज गवर्नर से, उसने कहा चौधरी साहब बड़ी लड़ाई चल रही है, बहुत गेहूं चाहिएगा फौज के लिए। उन्होंने कहा जितने चाहिए मिल जाएगा, मैं होता हुआ आया हूँ, बहुत अच्छी फसल खड़ी है। तो उसने कहा लेकिन मैं 3 रुपया, और उसने छोटू राम जी के जो उनपे लड़ने की आदत डालो, अगर लड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं लड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये सरकार हमारी नहीं है, ये जो दिल्ली में सरकार है, मेरे तो बहुत अच्छे संबंध है नरेंद्र मोदी जी से, मैं तो उनको बड़ा पसंद करता था जब वो गुजरात में थे। दिल्ली में आने के बाद वो बिल्कुल बदल गए, वो MSP उन्हें बुरी लगने लगी, लेकिन आप सही तरफ हैं, आप सवाल के सही टुकड़े को पकड़े हुए हैं। नहीं कि मैं दूसरा ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले 2 साल काम करिए।